जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ब्रीडिंग सीज़न है और उनके रैपिड्स जो हैं वो बहुत कम ब्रीड करते हैं, मतलब उनके जो क्लच साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, 2 या 3 बनी जाते हैं। तो क्लच साइज़ छोटा होने के कुछ रीज़न हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो ये कि आपके रैपिड का जो प्रोटीन लेवल है, जो आप उसको डाइट दे रहे हैं, वो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 18% प्रोटीन तक होना चाहिए। 18 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 20% प्रोटीन उन रैबिट्स को देते हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, यानी कि जो मदर्स अपने बनीज को फीड करवा रही होती हैं, और ये जो छोटे बनीज होते हैं उनको 20% 18 to 20% फीड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मिनिमम आपने 15% देनी है और मैक्सिमम आप 20% दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने प्रोटीन नहीं देना। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने फीमेल सेलेक्ट की है ब्रीडर, उसकी जो ब्लड लाइन है, यानी कि उसकी जो मदर है, उसका क्लच साइज़ भी छोटा आता था। ये रीज़न हो सकता है कि जो फीमेल नेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया ब्रीडिंग के लिए, इसी वजह से उसका क्लच साइज़ भी छोटा आता है। तो आपने वो डो या वो फीमेल अपनी फॉर्म के लिए सेलेक्ट करनी है कि जिसकी ब्लड लाइन में ही बनी क्लच साइज़ की जो एवरेज है वो अच्छी हो। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आप अपनी फीमेल से बहुत फ्रीक्वेंट ब्रीड ले रहे हैं, मतलब आफ्टर 40-45 डेज बाद रेगुलर ब्रीड ले रहे हैं। तो आप अगर अपनी फीमेल को 1 मंथ का गैप देकर उसको दोबारा मेट करवाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लच में उसकी एवरेज बनी इसकी अच्छी हो जाएगी। मतलब आप जितनी कम ब्रीड अपनी फीमेल से लेंगे, उसके क्लच साइज़ की एवरेज उतनी अच्छी हो जाएगी। और एक सजेशन या एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकती है कि जो फीमेल रैबिट होती है उसमें जो एग्स होते हैं उसकी ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती है जब फीमेल मेट हो जाती है। तो आप ये अपने फॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने फीमेल आज रात को 12 बजे मेट करवाई है, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में 12 बजे फीमेल को दोबारा मेट करवा लें, क्योंकि उसकी ओवरी दोबारा कुछ एग रिलीज करेगी, तो उससे आपका क्लच साइज़ होगा, वो क्लच साइज़ इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट मेटिंग कराई और फीमेल की ओवरी ने 6 एग्स प्रोड्यूस किए, वो 6 एग्स फर्टाइल हो जाएंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने फीमेल को दोबारा मेट करवा दिया, तो फीमेल की जो ओवरी है वो 2 एग्स अगर मोर रिलीज करती है, तो टोटल बनीज की एवरेज आपके पास 8 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप अपने बनीज का जो क्लच साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।